राजस्थान में ढोंगरसा गांव है, सुजानगढ़ दिल्ली में। तो किशन सिंह अपनी पत्नी के साथ ऊंट पे बैठ के, जरा गांव का मुखिया जैसा था, गीत गाते जा रहा था कहीं। तो रास्ते में बकरे चराने वाले के बकरों में एक बड़ा हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा बकरा देखकर किशन सिंह की औरत ने कहा, ठाकुरी ने, कि बोगड़ो के वो चोखो है घना ना, तो क्या है गोश्त बने तो खूब मजा आवे। हाँ तो मैं थाने लाई दूंगा। जहाँ जाना था वहाँ गए। बाद में अपने घर पत्नी पत्नी को छोड़कर अटकल से मौका लेके अपना ऊंट लेके आए जहाँ बकरे चर रहे थे। तो चराने वाला तो कहीं था, जो बकरा चर रहा था बड़ा बकरा, उसको पकड़ के बोरे में डाल के ऊंट पे लाद के भगाया और घर आकर उसका मीट बीट बनाया खा गए। समय पाकर उसके घर, ठाकुर किशन सिंह के घर बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया बाल सिंह। एक महीना, दो महीना, छह महीना, साल, दो साल, 15 साल, 18 साल का हो गया। वो पार्टी पर बैठा, मंगनी की पार्टी पे। मंगनी हो गई, अब शादी का विधि हो रहा है। शादी हुए इतने में बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले हकीम आए, डॉक्टर आए, कोई पता ही नहीं चल रहा है, सारे इलाज व्यर्थ हो रहे हैं। किशन सिंह परेशान हो गया खर्चा कर करके। आखिर बोला, बाल सिंह बेटा तो ठीक नहीं होता, ये सारे बराती अभी तक बैठे हैं ये सब। बोले वही बराती है और वही तुम हो। उदार सिंह कुंवरदान चारण ने जो बकरा भेजा था बकरियों के गर्भाधान में मुफ्त में, मैं वही बकरा हूं, तुम मेरे को उठा के ले आए ऊंट पे और झटका मार के तुमने खाया, अब रो तुम, मैं तो अब जा रहा हूं। ऐसे करके आंखें बंद कर दी। जिन्होंने खाया वो बराती बन के रो, और तुम जिन्होंने चोरी किया वो बाप बन के रोते रहो, मैं तो जा रहा हूं। तो किसी किसी को पूर्व जन्म की स्मृति होती है। ऐसे ही साधु बेला एक संस्था है, हर सप्त सरोवर में भी आश्रम है उनका, सिंध में भी आश्रम था, यहाँ बंबई में भी है। साधु बेला के एक साधु ने संत को बताया कि मैं कैसे साधु हो गया, कि हम दो पार्टनर थे, रुई का धंधा करते थे, रुई के धंधे में जो आमदनी हुई अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो फिर भागीदार को आधा देना पड़ेगा। तो हम किसी होटल में धर्मशाला में रहे थे, तो देखा कि भागीदार को इतना हिस्सा देना पड़ेगा, तो मैं दूध ले गया, उसमें थोड़ा जहर मिला दिया और भागीदार को पिला दिया, और भागीदार सुबह मरा हुआ उठा। हमने रोया धोया कि इसको पेट में दर्द था, बेचारा मर गया, नाटक करना था वो कर लिया। उसको जड़ा जुला के उसके कुटुंबियों को बोला कि लो ये तो मर गया, ये सर्टिफिकेट है, लेकिन नफा हुआ था 10,000, 5,000 आप ले लो। तो उन्होंने कुटुंबियों ने देखा कि ये बड़ा सच्चा आदमी है, कि नफा हुआ वो भी बताता है, और लाखों रुपया नफा हुआ, मैं तो 5,000 उनको दे के बाकी पैसे हजम किए। मेरे घर बालक का जन्म हुआ 1-2 साल के बाद, और बालक बड़ा हुआ, जवान हुआ, और उसको एकाएक कोई रोग लगा। मैंने वो रुई के पैसे जो मारे थे वो सारे पैसे लग गए, और मैं स्विट्जरलैंड ले गया उसको। स्विट्जरलैंड का इलाज कराते कराते मैं थक गया, आखिर डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए। फिर वापस आया मैं कंगाल स्थिति में, अब एक का एक बेटा। किसी ने मुल्ला मौलवी का इलाज बताया, तो मुल्ला मौलवी को बुलाया, अला बांधूं बला बांधूं, मोर पंख उतारा किया, टूना टोटका ये किया। अब मुल्ला को 11 रुपये दक्षिणा देनी थी,
मेरे पास वो भी नहीं थे, मुल्ला को मैंने कहा भी 5 रुपये ले जा, 6 रुपये बाद में दे दूंगा भाई। मैं बहुत दुखी हुआ, कहा तो मैं लखपति आदमी इतना सुखी, आज 11 रुपया एक वो उसको झाड़ा डालने वाले को नहीं दे सकता। अपने बीमार बेटे के पास आया, बेटा मैं तो तबाह हो गया तेरे पीछे, बता आखिर तू कैसे ठीक होगा। तो बेटा ठाका मार के हंसा, बोले बेटा और बाप कौन किसका, तो बालक जवानी और बुढ़ापा और मौत ये अवस्थाएं बदलती है, ऐसे शरीर खेल करता रहता है, आत्मा तो वही की वही है, मैं वही तुम्हारा भागीदार हूं जिसको तुमने दूध में कुछ पिला दिया था।